हाय फ्रेंड, मैं हूं जिशान और आप देख रहे हैं टैगलेट यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, फाइनली Xiaomi ने अपनी Mi 10 सीरीज को चाइना में लॉन्च कर दिया है और ये Xiaomi की तरफ से एक फ्लैगशिप सीरीज है। तो Xiaomi फैन काफी टाइम से इस सीरीज का वेट कर रहे थे, तो ये फाइनली चाइना में लॉन्च हो चुकी है और इस सीरीज के अंदर हमें दो स्मार्टफोन देखने को मिले, एक Mi 10 और दूसरा Mi 10 Pro। तो इन दोनों स्मार्टफोन की प्राइस भी सामने आ चुकी है, स्पेसिफिकेशन भी सामने आ चुकी है। तो आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं Mi 10 Pro के बारे में। तो दोस्तों, इसी बात पे आपने इस वीडियो को लाइक कर देना है और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि इन फ्यूचर आपको अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहे। तो दोस्तों, ये स्मार्टफोन Xiaomi की तरफ से एक ट्रू फ्लैगशिप स्मार्टफोन है जिसके अंदर आपको बहुत ही पावरफुल स्पेसिफिकेशन देखने को मिलती है। तो दोस्तों, यहां पर अगर सबसे पहले स्मार्टफोन के डिस्प्ले को ले लें तो यहां पर आपको 6.67 इंच का एक फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाला एक कर्व एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है जिसके अंदर आपको 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ यहां पर आपको 180 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट भी देखने को मिल जाता है और साथ ही स्मार्टफोन के अंदर आपको 1200 निट्स तक का ब्राइटनेस लेवल भी देखने को मिलता है। तो दोस्तों, बहुत ही जो है यहाँ पर आपको डिस्प्ले कमाल का स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिलता है, एक बेजल लेस डिस्प्ले देखने को मिलता है, एक फुल व्यू डिस्प्ले यहाँ पर आपको मिल जाता है, साथ ही इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी स्मार्टफोन के अंदर आपको देखने को मिल जाता है और साथ ही गोरिल्ला ग्लास 5 की यहाँ पर आपको प्रोटेक्शन भी मिल जाती है और टॉप राइट साइड पर यहाँ पर आपको एक पंच होल कटआउट देखने को मिलता है फ्रंट कैमरे के लिए। तो दोस्तों, Xiaomi ने बहुत फोकस किया स्मार्टफोन के डिस्प्ले को लेकर, तो यहाँ पर जो है एक आपको बहुत ही कमाल का डिस्प्ले स्मार्टफोन के अंदर आपको देखने को मिलता है। और अगर स्मार्टफोन के चिपसेट की बात कर लें तो स्मार्टफोन के अंदर आपको स्नैपड्रैगन का लेटेस्ट चिपसेट देखने को मिलता है, स्नैपड्रैगन 865 वाला जो कि स्नैपड्रैगन का लेटेस्ट चिपसेट है और साथ ही स्मार्टफोन का जो एंटूटू बेंचमार्क है वो भी 5,85,000 से भी ऊपर है और स्मार्टफोन के अंदर आपको रैम जो है वो LPDDR5 की देखने को मिलती है। तो दोस्तों, यहां पर भी Xiaomi ने स्मार्टफोन में बहुत फोकस किया है, तो आपको जो रॉ परफॉर्मेंस है वो आपको बहुत ही जबरदस्त देखने को मिलने वाली है। और अगर गेमिंग को ले लें तो इस स्मार्टफोन के अंदर आप हर गेम जो है आप हाई सेटिंग में खेल सकते हैं। और अगर बात कर लेते हैं स्मार्टफोन की बैटरी की, तो यहां पर आपको 4500 एमएच की बैटरी देखने को मिलती है 50 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट के साथ। तो दोस्तों, बहुत ही एक पावरफुल चार्जिंग दी गई है स्मार्टफोन के अंदर, साथ ही आपको 30 वाट की वायरलेस चार्जिंग की सपोर्ट भी मिल जाती है और 10 वाट की रिवर्स चार्जिंग की स्मार्टफोन के अंदर आपको सपोर्ट देखने को मिलती है। तो दोस्तों, 50 वाट की फास्ट चार्जिंग के साथ यहां पर आपको 30 वाट का एक वायरलेस चार्जिंग भी जो है आपको मिल जाती है स्मार्टफोन के अंदर। तो दोस्तों, ये बहुत ही कमाल की बात है। और दोस्तों, अगर बात कर लेते हैं स्मार्टफोन के मेन फीचर्स की यानी कैमरास की, तो यहां पर आपको बैक साइड पर क्वाड कैमरे का सेटअप देखने को मिलता है जिसका प्राइमरी सेंसर यहां पर आपको 108 मेगापिक्सल का मिल जाता है और साथ ही 20 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, 12 मेगापिक्सल का एक टेलीफोटो लेंस है और 8 मेगापिक्सल का भी एक टेलीफोटो लेंस है वो लॉन्ग रेंज के लिए। तो दोस्तों, स्मार्टफोन के अंदर आपको सारे मोड्स के साथ ही 8K रेजोल्यूशन की वीडियो की रिकॉर्डिंग की सपोर्ट भी दी गई है, यानी स्मार्टफोन के साथ आप 8K वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। और साथ ही अगर फ्रंट साइड की बात कर लें तो यहां पर आपको 20 मेगापिक्सल का एक पंच होल सेल्फी शूटर देखने को मिलता है। तो दोस्तों, कैमरा जो है स्मार्टफोन का मेन हाईलाइट फीचर है, Xiaomi ने जो है बहुत फोकस किया स्मार्टफोन के कैमरे पर। और दोस्तों, अगर बात कर रहे स्मार्टफोन के वेरिएंट्स की, तो ये स्मार्टफोन जो है आपको 3 वेरिएंट्स में देखने को मिला है, एक 8GB 256GB और 12GB 256GB और जो तीसरा वेरिएंट है वो 12GB का है 512GB की स्टोरेज के साथ। और स्मार्टफोन में आपको मैं पहले ही बता चुका हूं जो रैम यूज की गई है वो LPDDR5 यूज की गई है जो एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और स्टोरेज के लिए UFS 3.0 टेक्नोलॉजी को यूज किया गया है और साथ ही स्मार्टफोन में आपको आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 10 देखने को मिलेगा और MIUI यहां पर आपको 11 देखने को मिलेगा। और साथ ही अगर बात करते हैं स्मार्टफोन की प्राइस को लेकर, तो 8GB 256GB वाला जो वेरिएंट है वो चाइना में 5000 योन का लॉन्च हुआ है जो पाकिस्तानी मार्केट में 110,000 रुपए बनते हैं और इंडियन मार्केट में ये 51,000 रुपए के अराउंड बनते हैं। और जिसका हायर वेरिएंट है 12GB 512GB वाला 6000 योन का लॉन्च हुआ है चाइना में, तो इसकी पाकिस्तानी प्राइस जो है वो 132,000 रुपए के अराउंड बनती है जबकि इंडियन मार्केट में इसकी जो प्राइस है वो 61,000 के अराउंड बनती है। तो दोस्तों, एक पावरफुल पैकेज है एक पावरफुल स्पेसिफिकेशन के साथ और उसकी प्राइस जो है थोड़ी सी ओवर लग रही है मुझे कि थोड़ी सी एग्रेसिव होनी चाहिए थी इसकी प्राइस। ओवरऑल जो है स्मार्टफोन जो है आपको बहुत ही पावरफुल देखने को मिलता है, आपको ऑलमोस्ट हर चीज इसकी जो है आपको बहुत ही पावरफुल देखने को मिलती है, लेटेस्ट से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी स्मार्टफोन के अंदर लॉन्च की गई है। तो दोस्तों, आप मुझे कमेंट में बताइए इस स्मार्टफोन को लेकर आपकी क्या राय है, आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपको स्मार्टफोन कैसा लगा, इसकी स्पेसिफिकेशन आपको कैसी लगी और इसकी प्राइस जो है इंडियन और पाकिस्तानी मार्केट में कितनी होनी चाहिए, ये मुझे आप कमेंट में बताइए। और दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है आपको कैसी लगी ये भी आप मुझे कमेंट में बताइए, अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि इन फ्यूचर आपको अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।